हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि सभी एकदम मज़े में होंगे और हमारी भगवान से यही प्रार्थना रहती है कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और बच्चे चले गए स्कूल, स्कूल जाने के बाद में मैंने पहले बर्तन साफ़ किए हैं, जो उनके उनको दूध पिलाया था, चाय बना के पी है। और ये बर्तन साफ़ करके मैंने झाड़ू लगाई है अंदर की, और अंदर से झाड़ू लगाने के साथ ही साथ में मैं कपड़े भी ले आई हूँ जो धोने हैं। चादरें मैंने कल धो दी थी और आज धोऊंगी सारी, कंबल धोऊंगी। उसके बाद में मैं थोड़ी बची हुई झाड़ू लगा दे रही हूँ। ये जो टंकी है, पानी आ गया था तो इसको तो भर लिया है, और अभी मैं मशीन में लगा के आ गई हूँ पानी, ताकि जल्दी जल्दी से काम निपट जाए और साथ ही साथ में कपड़े भी धुल जाएं और ये मेरा काम हो जाए। झाड़ू मैंने लगा लिया है। और उसके बाद में मूंग दाल पड़ी हुई थी, थोड़ी सी सूजी पड़ी हुई थी, तो सूजी के भी कीड़ा लग गया है। आजकल ये मौसम ऐसा ही चल रहा है, जिस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं अनाज पे, तो उसमें कीड़े लग जाते हैं, इल्ली लग जाती हैं। तो दाल में तो मैंने 2-3 बार तो धूप लगा दी है, लेकिन फिर से लग गई हैं, तो इनको धूप लगाऊंगी। आज ज़्यादा धूप तो नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत तो मरेंगे ही। और ये जो सूजी है, इसके अंदर कीड़े पड़ गए हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं मोटे मोटे तो छान कर बाहर फेंक दूंगी। और जो बहुत ज़्यादा है, मरने वाले तो है नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत धूप निकलेगी, थोड़े बहुत तो मरेंगे ही, तो मैं इनको बाहर रख दे रही हूँ। सूजी को मैंने छान के रखा है, और दाल को तो क्या छानना है, ये तो कीड़े मरेंगे तभी सही होगी। तो कितनी भी कुछ भी लगा के छोड़ दो, लेकिन ये कीड़े नहीं जाते हैं, ये तो लग ही आते हैं इस मौसम में। तो सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे मैदा है, बेसन है, उसको तो मैं फ्रिज में रखती हूँ, तो उसको तो कोई ख़राब नहीं होता। तो क्या क्या रखे फ्रिज में भी, फ्रिज को भी ट्रक बना रखा है, उसमें भी जगह नहीं है, उसको सांस लेने की भी जगह नहीं है। तो ये दाल तो नहीं रख सकते, दाल भी रख दे तो ख़राब तो नहीं होगी, लेकिन दाल को नहीं रख सकती क्योंकि दाल ज़्यादा भी है और फ्रिज में जगह भी नहीं है। तो मैं अभी इनको साफ़ करके बाहर रख दे रही हूँ एकदम से। ये जो चुन्नी है, इसके ऊपर से एक एक दाना कर दूंगी तो मर जाएंगे थोड़े बहुत। दो तीन दिन धूप लगाऊंगी तब जाके मरेंगे, धूप भी नहीं निकलती आजकल, बारिश आती रहती है सारे दिन। तो अभी मैंने यहाँ धूप लगाने के लिए रख दिया है, अब और काम देख लेती हूँ। और ये सारा काम निपटा के हम जाएंगे आज खेत, कई दिन हो गए खेत जाए हुए, ये तो जाते हैं रोज ही, मैं नहीं गई अभी तक। तो जब छोटा छोटा अनाज था तब गई थी, और अभी मैं जाऊंगी जल्दी जल्दी से काम निपटा लेती हूँ मेरा अंदर का जो काम है सारा, और खाना आके बनाऊंगी। नाइडी तो मैं कड़े की ग्वार में तो ऑटो घास हो रही है, तो दवाई गिरी ने कूर तो आ रही को नहीं। ये है ग्वार, और आज हम आ गए हैं खेत में, खेत देखने के लिए आई हूँ आज। और ये हमारा खेत का मंदिर, मंदिर की सफाई करूँगी मैं पहले। तो ये ले रही हूँ मैं कलश बालाजी का, ये भर के रखेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी है। ले आऊँ हूँ ये देखो घास, यहाँ को घास कहे हो गोब काले। ये कलश भर के लेके आ गई हूँ मैं, अब इसको मंदिर में रख देंगे। मंदिर को पहले करूँगी साफ, उसके बाद में रखूँगी।
बड़े साइड मोड़ पर ना। बता दस सवाल कर दे। ऊपर देख ऊपर मंडीरी पर। चलो क्या बैठी जच्ची सगली पानी कुन पियो पानी कुन पियो छी 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 अब आगे की कुन के अया क्या क्यों क्या बैठी जच्ची सगली पानी कुन पियो पानी कुन पियो छी 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 अब आगे की कुन के क्या क्यों रही है गुठली जी खड़ी जा इका बैल देखो क्या लाग रही है बापड़ी के आ देखो क्या लाग रही है अब को तो मन बेरो को नहीं पहले के तो कत्ती लगेड़ी है क्या और अब भी लाग रही है का तो हाँ अभी देख रहा मोरो भी कुनी तो क्यों लाग रही है जी के मन कौन बेरो देख लो चाहे दूसरी जगह लाग रही है मेरे बिना डांगरा ही संभाल करो ये कुनी हाँ। देखा करो थोड़ा गुना ना खोल की देखो दानी रुके लाग रही है बड़ी अबड़ी कुन लाग रही है तू तो जिद मत करया कर मुख वहां पहले के लाग रही है बड़ी कुन लाग रही है अब उरे साकल आ लाग रही कने कड़े है सकल बड़ी डिंडी पड़ी सकल दे दा सकल कड़े है अरे इजा मा धरी है इजा धरो से तू अपन लाग रही अब तो बड़ी डिंडी है निकल जाई गलो खोले पानी पद एक गबलियो लो पेटनो पड़ोगो तो पानी गन जाई कुनिया आई बड़ू तो अजय पड़ी पानी पी क्या अच्छा यो पानी पी लिया अज शफा देवा बच्ची पीवे भो 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 पिले नहरी दूध हो डेक सी गई गए मींड की पड़ी मोटी मोटी बनेगी मैं तलडो में ही करे क्या रहेगी छोटी सी या बतौटी जाके आपकी बड़ी खड़ी होगी पानी को भी तो पानी की घूटी कौन पी के है ओहो अंतरो हाँ आलाम दिखा है बुई भाई गिर ये कौन कोई सब देखो चक्की देखो चक्की देखो तो ये बेलड़ा है ना ये आका ही तो ये अलाप की सगड़ी देव दुआ बठिन पड़ी पड़ी है कोई बड़ी को नहीं कोई बढ़ गई लगास फाट के लिया मैं थोड़ो बुधवा बकवाल डे मैं ठेसू वो खड़े बेलड़ा तो क्यों लग गया होगा
मेरे बाबा पर को देख लाई खाओ हो रहा थे उरे तो बस गनास तो हाथ को नहीं बेली बेल पसर रही बे मेरे पापा रे अब कर क्यों कुन लगे जो खावे ले कोई लादे तो बेटा मां नहीं दियो सब्जी तो कम बा ते तो ना दापा का थारो के और सब्जी में हमने तोड़ ली है ज्यादा नहीं मिली है सब्जी लगी हुई नहीं लगी नहीं है अभी बेल जल गई है पता नहीं क्या बारिश हुई है अभी ये बारिश ही बोल रहे हैं कि ये अच्छी नहीं हुई है तो इसे सब्जियां सारी जल गई हैं जब सब्जियां तो क्या जल गई हैं जो बेल थी वो जल गई हैं थोड़ी सी सब्जी मिली है तो थोड़ी सी लेके चले जाएंगे दो तीन काचर हैं उसके लिए बस इतना ही एक प्यारे से ब्लॉग के साथ फिर से मिलेंगे तब तक के लिए बाय टाटा ओके फ्रेंड्स।